अमरिया क्षेत्र में रात में ईंट भट्टों पर अवैध खनन करते पकड़ी गई 3 जेसीबी, 3 ट्रैक्टर, 1 जेसीबी को रात में ही थाने से छोड़ा गया। अमरिया क्षेत्र के खनन माफियाओं में मचा हड़कंप। रात के अंधेरे में करते थे खनन माफिया बेधड़क होकर खनन। नायब तहसीलदार अमरिया दुष्यंत सिंह के कार्य से खनन माफियाओं में मचा था हड़कंप। पकड़ी गई 3 जेसीबी मशीनों में से एक रात को ही अमरिया थाने से छोड़ दी गई। शाम 10 बजे पकड़ी गई जेसीबी व ट्रैक्टर पर दिन के 2 बजे तक कोई कार्यवाही नहीं की गई। जानकारी लेने पर सभी संबंधित कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी से बचते नजर। उपजिलाधिकारी अमरिया रामदास ने मीडिया को बताया कि 3 जेसीबी पकड़ी गई थी, जिनमें से एक को छोड़ दिया गया क्योंकि वह जेसीबी रास्ते से पकड़ी गई थी और उस पर भी जुर्माना लगाया जाएगा। इससे प्रतीत हो रहा है कि प्रशासन का रवैया गोलमोल रहा, इससे प्रशासन की कार्य प्रणाली संदिग्ध लग रही है। जेसीबी रोड पर जा रही थी तब उसे पकड़कर थाने क्यों लाया गया? अगर थाने लाया गया तब उसे रात में ही क्यों छोड़ दिया गया? खनन करने वाले बिना नंबर की जेसीबी व ट्रैक्टर चलाते हैं। पकड़ी गई एक जेसीबी पर नंबर भी नहीं। क्या बिना नंबर की जेसीबी मशीन कहीं चोरी की तो नहीं? यूपी के पीलीभीत से सर्वेश कुमार की रिपोर्ट। ये तहसील प्रशासन के द्वारा कल खनन के ऊपर एक अभियान चलाया गया था, तो उसमें क्या कार्रवाई की गई है और कितनी जेसीबी मशीन और ट्रैक्टर पकड़े गए? तो शाम को हमारे तहसील की टीम और पुलिस टीम भ्रमण कर रही थी, तो एक जेसीबी रास्ते में मिली और 2 जेसीबी जो है मिट्टी की कुछ कारवार कर रही थी भट्टी के पास में, उनको पकड़ लाया गया है और थाने में सुपुर्दम दिया गया है और मौके की रिपोर्ट बनाकर जिला खनिज अधिकारी को इसकी रिपोर्ट दी जाएगी। सर, आपके द्वारा ये अभियान कब तक जारी रहेगा? ये अभियान चलता रहेगा, ये अभियान चलता रहेगा बीच बीच में, और अवैध खनन किसी प्रकार का नहीं होगा। सर, जहाँ तक सर जानकारी मिली कि लगातार महीनों से क्षेत्र के अमरिया में जो लगातार खनन हो रहा है उन पर किस तरह की कार्रवाई करना चाहेंगे हम? देखिए, जो खनन हुए हैं अभी जो जाँच की गई है, ये भट्टे वाले जिस जमीन की अनुमति लिए हैं इसीलिए हुए हैं, ये उसी जमीन पर खनन कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा खनन नहीं पाया गया है कि उस जमीन से हट के खनन कर रहे हैं, लेकिन दिन में खनन कर सकते हैं, रात में कोई भी व्यक्ति खनन का कार्य नहीं कर सकता है, न जेसीबी मशीन का कार्य कर सकता है। इसलिए इन मशीनों को लाया गया है और इन मशीनों को जिला खनिज अधिकारी के पास रिपोर्ट पर भेजी जा रही है, जो भी इनका जुर्माना बनेगा जिला सरकार। सर, जैसे आपने बताया कि 3 मशीनें पकड़ी गई हैं जी, थाने में भी देखा गया है तो वहाँ 2 मशीनें खड़ी हुई हैं। एक मशीन जो बताया था मैंने रास्ते में मिली थी, खनन कार्य करती नहीं थी, रास्ते में आ रही थी, उसे पूछा गया, ये बताया गया कि वो नियुक्त काम में थी, खनन काम में नहीं थी, वो रास्ते में आ रही थी, उसमें पकड़ा गया था, वो खोते हुए नहीं पकड़ा गया था।